अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नबी के। आज हम बात करेंगे टॉप 5 1 to 5 cc बाइक्स की जो कि पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। तो नंबर 5 से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो नंबर 5 पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है होंडा 125। होंडा 125 इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड फेवरेट बाइक ऑफ पाकिस्तान। इस बाइक के अंदर सबसे बड़ी चीज़ इसका साउंड है और इसकी स्पीड है। बाकी ओवरऑल मेरे ख्याल में इसके अंदर और ज़्यादा इतना कुछ नहीं है। होंडा ने न्यू मॉडल इसका लॉन्च किया था CG125S के नाम से, जिसमें इन्होंने एडिशन किया था, एक गियर और बढ़ा दिया था इसके अंदर, 5 गियर्स लगा दिए थे। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि CB125 जो है उसका इंजन इसके अंदर लगा दिया था। अब बात कर लेते हैं इनकी प्राइजेस की। तो जो होंडा 125 सिंपल है उसकी प्राइस है 1,16,500 रुपये, और जो होंडा CG125SE स्पेशल एडिशन वाला है, जो सेल्फ स्टार्ट वाला है, उसकी जो प्राइस है वो है 1,34,900 रुपये। अब बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 पर जो बाइक है वो है होंडा CB125F। होंडा ने ये बाइक रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया था। होंडा ने अपना जो डीलक्स है उसको बंद करके इस बाइक को लॉन्च किया था। ये बाइक 125cc 5 गियर ट्रांसमिशन विद ओवरहेड वेल्व इंजन है। इस बाइक के अंदर 5 गियर हैं और लुक आप देख सकते हैं, लुक इसके अंदर काफ़ी अच्छी बनाई थी। इसके अंदर डिस्क ब्रेक है, इसके अंदर अलॉय रिम्स हैं। उसके अलावा आप कर लेते हैं इसकी प्राइस की बात। तो अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 1,59,900 रुपीज़ इस बाइक की प्राइस है। मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा है एक 125cc के लिए इतनी प्राइस। लेकिन फिर भी अब नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो नंबर 3 पर जो बाइक है वो है यामाहा YBR125। इस बाइक का इंजन ओवरहेड कैमशाफ्ट है और इस बाइक के अंदर 5 गियर ट्रांसमिशन है, लीनियर शिफ्टिंग है, फर्स्ट गियर आगे, बाकी जो 4 गियर हैं वो पीछे की तरफ लगेंगे। अगर इस बाइक की खूबियों की बात कर ली जाए तो एक तो इसकी लुक, दूसरा इसकी कंफर्टेबिलिटी, तीसरी बात है इसका ब्रेकिंग सिस्टम, और चौथी बात है इसकी रोड ग्रिप। अगर आप इसको कंपेयर करें एवरेज के मामले में होंडा 125 के साथ, तो एवरेज और बाकी चीज़ों में ये बाइक उससे कदरे बेहतर है। लेकिन अगर आप स्पीड की बात कर लें तो स्पीड में होंडा 125 इस बाइक से निकल जाएगा शॉर्ट रूट पर, क्योंकि उसका इंजन बड़ा है, इसका इंजन छोटा है। और यामाहा ने अब लेटेस्ट इस बाइक के अंदर चेंजिंग की है, YBR के अंदर पिकअप बढ़ाई है इसकी और स्पीड भी बढ़ाई है। तो अब मैं कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है ये निकल जाए शॉर्ट रूट पर भी, लेकिन लॉन्ग रूट पर ये बाइक होंडा 125 से निकल जाएगा। अगर आप शॉर्ट रूट की बात करें तो होंडा 125 इस बाइक से निकल जाएगा शॉर्ट रूट पर, लेकिन लॉन्ग रूट पर YBR निकल जाएगा। अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो YBR की जो प्राइस है वो है 1,44,500 रुपीज़। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर जो बाइक है वो है यामाहा YBR125G। ये बाइक सबसे अच्छा दिखने वाला बाइक है 125cc कैटेगरी में। उसके अलावा अगर आप इसको कंपेयर करें YBR के साथ, तो YBR और इसमें सिर्फ एक तो हेडलाइट का चेंज है, डिज़ाइन की चेंजिंग है, उसके अलावा टायर चेंज है। टायर इस बाइक के अंदर ज़्यादा अच्छे लगे हुए हैं एज़ कम्पेयर टू दैट वन। YBR से ज़्यादा अच्छे टायर लगे हुए हैं इसके अंदर। और अगर आप प्राइस डिफरेंस की बात कर लें तो प्राइस डिफरेंस है, इस बाइक की जो प्राइस है वो है 1,49,500 रुपीज़। उसके अलावा इस बाइक के अंदर और उस बाइक के अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कंफर्टेबिलिटी का भी कोई इतना फ़र्क नहीं है और बाकी कोई इतना डिफरेंस नहीं है, ना ही इंजन का डिफरेंस है। इंजन भी सेम है दोनों बाइक्स का और ओवरऑल बाकी एवरीथिंग इज़ सेम। अब चलते हैं नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पर जो बाइक है वो है यामाहा YB125Z। इस बाइक को मैंने नंबर 1 पर क्यों रखा है, तो उसकी वजह यह है कि अगर आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को देखें तो हमने बिठाना है जी 4-5 बंदे ऊपर बाइक के ऊपर, और फैमिली आसानी से बैठ जाए बाइक के ऊपर, उस हिसाब से ये बाइक बेस्ट है। और कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से भी काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि इंजन इसका काफ़ी कंफर्टेबल है। इस बाइक के अंदर वाइब्रेशंस काफ़ी कम है, ना होने के बराबर इस बाइक की वाइब्रेशंस है, और इस बाइक की लुक भी कोई इतनी गई गुजरी नहीं है। अगर आप इसकी पेट्रोल एवरेज की बात कर लें तो ये काफ़ी अच्छी पेट्रोल एवरेज देता है आपको, और उसके अलावा ये बाइक पिकअप और स्पीड में भी कोई इतना बुरा नहीं है। पिकअप और स्पीड भी इस बाइक की बहुत अच्छी है, होंडा 125 से ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन अच्छी है फिर भी। और रोड ग्रिप इस बाइक की बहुत अच्छी है, इस बाइक की हैंडलिंग बहुत अच्छी है, इसी वजह से मैंने इस बाइक को नंबर 1 पे रखा है। और एक और बात कि इस बाइक के अंदर सेल्फ स्टार्ट भी मौजूद है। अब इस बाइक की प्राइस की बात कर लेते हैं एंड में। तो इस बाइक की जो प्राइस है वो है 1,27,500 रुपये। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन की बात करें तो फॉर फैमिली यूज़र्स यामाहा YB125Z इज़ द बेस्ट, और फॉर यंगस्टर्स मेरे ख्याल में यामाहा YBR125G काफ़ी बेस्ट है, अपने लुक, पावर, पिकअप और स्पीड और उसके अलावा कंफर्टेबिलिटी की वजह से। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।